मथुरा में अपराधियों के हौसले बुलंद है। लगातार अपराधी दे रहे पुलिस को चुनौती, लगातार दे रहे चोरी व लूट की घटनाओं को अंजाम। मामला है मथुरा के हाईवे स्थित कृष्णा ऑर्चर्ड के व्यवसायी पवन अग्रवाल, जो कि कृष्णा नगर में पवन मेडिकल स्टोर के संचालक हैं। आज जब पवन अग्रवाल कृष्णा नगर अपनी मेडिकल स्टोर की दुकान बंद कर रोजाना की तरह करीब रात को 9:30 पर घर से आ रहे थे, तभी कुछ अज्ञात लोग जो कि कार से आए थे, कार का नंबर यूपी 16DT5949 है, वहीं मौका देखकर थी जी बाबा हॉस्पिटल के बराबर वाली गली में अज्ञात बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और तमंचा कान पर रखकर व्यवसायी का अपहरण करने की कोशिश की और उन्हें अपनी गाड़ी में अपहरण करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी अचानक खराब होने के चलते लुटेरे 35,000 रुपए छीनकर अज्ञात मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए। बमुश्किल व्यापारी पवन अग्रवाल अपनी जान बचाकर अपने घर कृष्णा ऑर्किड पहुंचे। वहीं मौके पर थाना हाईवे चौकी इंचार्ज में फोर्स के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर जानकारी करने में जुट गए हैं। मथुरा संवाददाता उमेश भदौरिया की रिपोर्ट। पवन मेडिकल स्टोर कृष्णा नगर मेन बाजार, दुकान करीब 9:45 करीब बढ़ा के, मैं कृष्णा ऑर्चर्ड में मेरा निवास है। मैं जैसे ही घर आ रहा था तो सीजी बाबा हॉस्पिटल के बगल से जैसे ही मैंने अपनी स्कूटी को टर्न किया, एक व्हाइट कलर की गाड़ी ने आके मुझको ओवरटेक किया और मेरी गर्दन पे बंदूक तान के और मुझसे बोले कि इसको अंदर खींच लो गाड़ी के अंदर। तो फिर मैंने उनको बोला कि भाई तुम मुझको क्यों ले जा रहे हो, ये बैग ले लो, मोबाइल ले लो, लेकिन उन्होंने किसी की भी चीज को उस समय पे नहीं लिया और मुझको खींचने की कोशिश करी। पता नहीं कहां से भगवान ने मुझको सहारा दिया, मैंने उनको उल्टा सड़क के बीच में खींच लिया। मैं मरना तो है ही, सड़क के बीच में मरूंगा। तो उसी समय कॉलोनी के भैया के पीछे से गाड़ी आ गई और उनको देख के, एक दो स्कूटी आ गई तो उनको देख के वो होपलेस होके और मेरा बैग लेके और स्कूटी की चाबी लेके और गाड़ी भगा के आगे लेके भाग गई आगे रोड पर। सर ये क्या मामला हुआ यहाँ पर? ये पवन अग्रवाल जी अपनी दुकान मेडिकल की बंद करके अपने घर आ रहे थे। आते समय मोहल्ले के मेन रोड से जब मोहल्ले के रोड में मुड़े तो 20 मीटर अंदर चलने के बाद एक फोर व्हीलर गाड़ी से तीन आदमी या चार होंगे, जिन्होंने इनके बैग, इनकी गाड़ी का चाबी, स्कूटी की और बैग में जो कागजात थे, करीब 35,000 रुपये इनके बैग में थे, जिसको उन्होंने लूट लिए। लूटने के बाद वो आगे गए और आगे 200 मीटर जाके उनकी जो वाहन था वो टकरा गया। तो वो वाहन से उतर के एक दूसरे आदमी आ रहे थे जिनकी मोटरसाइकिल थी, उस मोटरसाइकिल को छीन के भाग गए। इस संबंध में इनकी तहरीर प्राप्त हो गई है, अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। हम चार टीमें अभी बना के निकाले हैं, कुछ हम लोगों को क्लू मिला है गाड़ी के माध्यम से, जिस पे हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं। जल्द से जल्द घटना का अनावरण किया जाएगा और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाएगा। थैंक यू सर। ठीक सर, थैंक यू।